वज़ीर आज़म इमरान खान ने तोशाखाना के तहफ़ से हासिल आमदन माली साल 2021 के टैक्स गोशवारों में जाहिर कर दी है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हेड ऑफ समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट जाहिद गिशकोरी साहब ने। जी सर, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी, इमरान खान ने तोशाखाना के तहफ़ से हासिल अपनी आमदन टैक्स हुकाम को जाहिर कर दी है। हमें बावसूख ज़राए से मालूम हुआ है कि उन्होंने माली साल 2021 के टैक्स गोशवारों में इन सरकारी तहफ़ से हासिल आमदन की मालियत 1,16,00,000 रुपये जाहिर की है। इन गिफ्ट की मद में इमरान खान ने 2,12,00,000 टैक्स हुकाम को अदा किए हैं। गिफ्ट से हासिल रकम इनके असासों में इजाफे का एक वजह बनी है। हमें ज़राए ने बताया कि इमरान खान ने 2019 में 5,80,00,000 रुपए की इजाफी आमदन भी जाहिर की है। ये आमदन कहाँ से हासिल हुई, टैक्स हुकाम को खुलकर वजाहत नहीं की गई है। ज़राए का ये बताना है कि सिर्फ ये बताया गया है कि ये आमदन दूसरी वसूलियों के मद में साबिक वज़ीर आज़म को हासिल हुई थी। इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म अक्टूबर 2018 से 2021 तक 14,00,00,000 रुपए से ज़ायद मालियत के गिफ्ट हासिल किए थे। इस खरीद के बदले 3,81,00,000 रुपए कौमी खजाने में भी जमा करवाए गए थे उनकी तरफ से। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया।